जैसा कि देख सकते हैं 27 अगस्त का बैच चल रहा है, बताइए कैसा चल रहा? और आज कितने दिन हो गए आपको आके? 8 दिन हो गए। क्या क्या सीखने को मिला सबको? ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, पूरे क्लासेस कंप्लीट हो गए? डबल डक्कर का भी हो गया? आज क्या देख रहे? क्रश द मूड का देख रहे ना अभी? हाँ सर, क्रश द मूड का। ओके, कौन बता रहे हो? इमरान सर। इमरान सर बता रहे ना, देखने के लिए रेडी है सब? यस सर। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलिए इमरान सर से मिलते हैं। इमरान सर बताइए क्या कर रहे हैं आप? अभी क्रैश डैम लाइव रिपेयर करके बताएंगे स्टूडेंट्स को। ओके, अभी जैसे कि देख सकते हैं अभी इस पे क्रैश डैम आके है, अभी स्टूडेंट्स को हम लाइव करके दिखाएंगे इसको। ओके ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लो क्रैश डैम। ठीक है, दिख रहा है पैक फोन है एकदम। इसको आप करना क्या है, सिर्फ आपको सीपी के साइड इसको स्क्रैच करना है, बस ऐसे हल्का सा ब्लेड को ऐसे काटा, दिख रहा ऊपर? निकाल लेना इसको और इसको थोड़ा शील्ड हल्के से साइड से कट कर देना है। दूसरा कटर नहीं है, ठीक है, इसको ऊपर जो पेस्ट रहता ना इसको निकाल लेना आप।
एसी थोड़ा ऑफ करो। राम निकलने के बाद जैसा आपको मालूम है साफ करते हैं, प्रोसीजर तो मालूम है ना सबको।
ठीक है, सीपीयू का हो गया, अभी रैम को क्लीन कर लेते हैं।
ठीक है, हो गया, अभी इसको फिट करेंगे। सही है, हो गया। Yes, ये ऑलरेडी फ्लैश करके आया हुआ सा फ़ोन है जो ऑलरेडी किसी ने फ्लैश में ट्राई किया है, जो कि ना होने के कारण अपने पास लेके आया, पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह सब ट्राई करने के बाद में लेके आए। अभी कितना सिंपल था ये, 10 टू 15 मिनट्स में आपको रैम रिबॉल इजीली कर ले सकते।
इसको पूरा फास्ट फॉरवर्ड में धरना रहता, खाली लेना इतनी देर। हाँ फ्लैश हो गया है ना, तो थोड़ा लोड थोड़ी देर लगता रहने के लिए। हो गया ठीक है। फ्लैश हो गया, इसी कारण इतना लेट से ऑन हुआ है, पूरा लोड लेके। ऑलरेडी किसी ने सब फ्लैशिंग वगैरह करके ट्राई किया हुआ, इसको बना सकते ना आप इजीली। जो भी अभी मार्केट में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है जो वन प्लस में, इजीली बना सकते ना। ठीक है।